भारत के खिलाफ टी20 महिला विश्व कप सेमीफाइनल में मैदान पर उतरे बिना ही इंग्लैंड के बाहर होने से सबक लेते हुए आईसीसी ने न्यूजीलैंड में होने वाले 2021 महिला वनडे विश्व कप के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व दिन का आवंटन किया है। आईसीसी ने न्यूजीलैंड में 6 फरवरी से 7 मार्च तक होने वाली टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी किया है। 6 फरवरी से 7 मार्च तक होने वाले टूर्नामेंट में 31 मैच खेले जाएंगे। तीनों नॉकआउट मैचों के अगले दिन रिजर्व दिन का प्रावधान रखा गया है। पिछले हफ्ते भारत के खिलाफ महिला टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में बारिश की भेंट चढ़ने के बाद इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। भारत ने ग्रुप चरण में बेहतर रैंकिंग के कारण फाइनल में जगह बनाई थी। इससे आईसीसी को आलोचना का सामना करना पड़ा था। महिला वनडे विश्व कप 6 स्थलों पर खेला जाएगा, जिसमें ऑकलैंड का ईडन पार्क, तोरंगा का बे ओवल, हैमिल्टन का सेडन पार्क, डिनाडन का यूनिवर्सिटी ओवल, वेलिंगटन का बेसिन रिजर्व और क्राइस्टचर्च का हिगल ओवल शामिल है। टूर्नामेंट का पहला मैच ऑकलैंड में मेजबान और क्वालिफाइंग टीम के बीच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका पहले ही विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं आईसीसी महिला चैंपियनशिप, और इसके बाद जुलाई में श्रीलंका में क्वालिफाइंग टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद बाकी बची टीम तय होंगी। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से ज्योति की रिपोर्ट।